हेलो बच्चों, आज जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक टॉपिक है जिसका नाम है डिग्री। डिग्री ऑफ कार्बन, डिग्री ऑफ अल्कोहल, डिग्री ऑफ एमीन, ये सारे के सारे आज हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो हम पढ़ने वाले हैं जिनका नाम है डिग्री ऑफ कार्बन। तो डिग्री ऑफ कार्बन जो होता है वो चार प्रकार का होता है, प्राथमिक कार्बन, द्वितीयक कार्बन, तृतीयक कार्बन, चतुर्थ कार्बन। ये चार प्रकार का होता है। इसका अंग्रेजी नाम होता है प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वार्टरनरी कार्बन। ठीक है, तो प्राथमिक को हम 1 डिग्री कार्बन के नाम से भी जानते हैं, इसी प्रकार इसको अंग्रेजी में पी प्राइमरी, उसी तरह 2 डिग्री कार्बन के नाम से जाना जाता है। सेकेंडरी को एस से, उसी तरह हमारे पास है तृतीयक को 3 डिग्री कार्बन के नाम से भी जानते हैं इस तरह से, और टर्सरी को टी से डिनोट करते हैं। चतुर्थ कार्बन को 4 डिग्री कार्बन से डिनोट करते हैं और क्वार्टरनरी को हम स्मॉल क्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको नाम जानना है। ठीक है, डिग्री ऑफ कार्बन, कार्बन जो का जो डिग्री होता है वो कितने प्रकार का होता है? चार तरह का होता है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ। एकदम सिंपल है, नाम याद रखना बहुत ही सिंपल है। अब क्या करना है, हमें एक एक करके इसके बारे में जानना है। ठीक है, तो प्राथमिक कार्बन क्या होता है? तो बोलोगे जब एक कार्बन, कितना कार्बन, जब एक एक कार्बन केवल एक कार्बन से जुड़ा हो तो उसे हम प्राथमिक कार्बन कहते हैं। उसी तरह सेकेंडरी की बात किया जाए तो जब एक कार्बन दो कार्बन से, कितने कार्बन से, दो कार्बन से जुड़ा हो उसे हम सेकेंडरी कहते हैं। उसी तरह से हमारे पास तृतीयक की बात करें, जब एक कार्बन तीन कार्बन से जुड़ा हो उसे हम तृतीयक कार्बन कहते हैं। उसी तरह चतुर्थ में है ना, जब एक कार्बन चार कार्बन से जुड़ा हो उसे हम चतुर्थ कार्बन कहते हैं। किसी को दिक्कत? डिफिनेशन में किसी को दिक्कत नहीं होना। इसमें हम पहचानेंगे कैसे, ये तो आपका परिभाषा हो गया। अब इसमें हम एग्जांपल आपको दे के दिखाते हैं। जैसे मान लो ये हमने एक एग्जांपल यहाँ पर दे रहे हैं, तो ये हमारे पास एग्जांपल है। ठीक है, ये एग्जाम्पल आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें आपको बताना है कि ये कार्बन कौन सा कार्बन है। तो ध्यान देना, ये जो कार्बन आपको देखना है ध्यान से, इसके सामने में एक कार्बन है, ना ही इसके इधर कोई कार्बन है, ना ही इसके ऊपर कोई कार्बन है, ना ही नीचे कार्बन, इसलिए इसको बोलेंगे 1 डिग्री कार्बन। तो परिभाषा में भी देखो, जब एक कार्बन केवल एक कार्बन से जुड़ा है, ये जो है केवल सामने वाले कार्बन से ही जुड़ा हुआ है। इसको जरा ध्यान से देखो तो ये जो है इसका पड़ोसी यानी इसका कार्बन कार्बन का अपना ही जात भाई को देखेगा, ये कार्बन का जाति कार्बन ही है। तो इसके आगे ये पड़ोसी, इसके ऊपर एक पड़ोसी, इसके नीचे एक पड़ोसी और इसके पीछे एक पड़ोसी, टोटल मिला के 4 कार्बन हुआ, तो इसलिए ये 4 डिग्री होगा। इसको देख लो, तो इसको अगर देखेंगे ध्यान से तो इसके एक आगे पड़ोसी है, एक पीछे पड़ोसी, इसलिए 2 डिग्री होगा। इसको जरा चेक कर लो, इस कार्बन का ये हो जाएगा आपका आगे है और एक इधर है, तो ये हो जाएगा 2 डिग्री। एक ऊपर है कार्बन, एक आगे है कार्बन, तो ये 2 डिग्री कार्बन होगा, और ये जो हमारा होगा 1 डिग्री, क्योंकि इसका सामने में क्यों है, न इधर है न ऊपर है। ठीक है, तो इस तरह से अगर बोला जाए कि 1 डिग्री कार्बनों की संख्या कितनी होगी, 1 डिग्री कार्बन की संख्या तो बोलोगे 1, 2 और ऊपर वाला ये भी 1 डिग्री कहलाएगा और एक ये भी 1 डिग्री कहलाएगा। देखो लास्ट वाला जो भी होता है वो हमारा 1 डिग्री कार्बन होता है। तो 1 डिग्री कार्बन की संख्या 1, 2 डिग्री कार्बन की संख्या तो 2 डिग्री, देखो एक है 2 है, 2 योग है, 3 डिग्री कार्बन की संख्या तो 3 डिग्री कार्बन एक को गिना है तो 0, 4 डिग्री कार्बन की संख्या कितनी तो 1 है, तो इक्कीस होता है। ठीक है, यहीं पर एक क्वेश्चन दे रहे, थोड़ा सा बड़ा दे रहे क्वेश्चन, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, यहाँ एक कार्बन है, यहाँ एक कार्बन है,
यहाँ एक कार्बन है, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन है और ये एक कार्बन है। चलो ये तुम्हारा क्वेश्चन हुआ, चलो इसको छोड़ देते हैं, ये तुम्हारा क्वेश्चन हुआ। अब यहाँ पर तुमको देखना है कि इसको जरा ध्यान से देखो, ये जो तुम्हारा है एक कार्बन से आगे वाला कार्बन से जुड़ा हुआ, तो एक तरह से आप देख सकते हैं कि जितने भी कॉर्नर में है, जितने भी कहाँ है कॉर्नर में है, वो सारे के सारे आपका 1 डिग्री कार्बन होता है। कॉर्नर वाला जितने भी होंगे सारे के सारे 1 डिग्री कार्बन होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसका पड़ोसी जो है केवल एक है, इसका जाति भाई। अब देखो होता क्या है, इसमें हाइड्रोजन भी छुपा हुआ है, यहां से अगर हम हाइड्रोजन को लिख दे तो हाइड्रोजन, लेकिन हमने बोला सिर्फ और सिर्फ कार्बन की बात बोले, तो इसके साथ जो कार्बन है एक्के हो, यानी इसका जात भाई एक्के, इसका गोतिया एक्के हो है, वो है सामने वाला। ये तो हाइड्रोजन है, ये तो दूसरा जाति वाला लोग है, ये दूसरा जाति वाला लोग है, तो लेकिन इसका जो है डिग्री ऑफ कार्बन क्या होगा 1 डिग्री। क्यों? क्योंकि इसके सामने केवल एक है, इसलिए 1 डिग्री कार्बन कहलाएगा। इसको जरा चेक कर लो, इधर भी है, इधर भी, इधर भी, और इधर भी है, ये 4 डिग्री होगा कि नहीं? हाँ होगा। इसको जरा चेक कर लो, इसके आगे एक पड़ोसी, पीछे कार्बन, एक नीचे कार्बन, 1 2 3, इसलिए 3 डिग्री होगा। इसको जरा चेक कर लो, ये 2 डिग्री होगा, एक सामने है और एक पीछे, 2 डिग्री, ठीक है। और इसको जरा चेक कर लो, तो ये हमारा 2 डिग्री होगा, एक नीचे है एक ऊपर है, ये 1 डिग्री, यहाँ भी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री होगा, ठीक है। कोई दिक्कत? सब हो गया। तो इस तरह से हम बोलेंगे, बताओ 1 डिग्री कार्बनों की संख्या कितनी, 1 डिग्री कार्बनों की संख्या कितनी, गिन लो जो लास्ट वाला है, तो 1 2 3 4 5, और कहीं है 5 हो गया। 2 डिग्री कार्बनों की संख्या कितनी, तो 2 डिग्री देखो, 1 हुआ 2 हुआ 3 हुआ, टोटल कितना हुआ 3। उसी तरह 3 डिग्री कार्बनों की संख्या कितनी, 3 डिग्री 3 डिग्री 3 डिग्री, एक हुए कलौता है तो 1। 4 डिग्री कार्बनों की संख्या कितना, ये भी एक हुआ है। तो इस तरह से कभी कभी पूछ दिया जाता है, एग्जाम्पल दे देता है और बोला जाता है कि 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री और 4 डिग्री की संख्या ज्ञात करें। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, पूरा फाइंड करेंगे। किसी को दिक्कत, किसी को दिक्कत, दिक्कत है तो बता देना, अगर दिक्कत है तो बता देना, ठीक है। इसको जल्दी से राइट डाउन करो, हमारा नेक्स्ट जो डिग्री होने वाला है, डिग्री ऑफ अल्कोहल, डिग्री ऑफ अल्कोहल, डिग्री ऑफ अल्कोहल को भी हम 3 भाग में बांटेंगे, इसको 4 भाग में नहीं बांटते। क्यों नहीं बांटते? क्योंकि ये जो होता है डिग्री ऑफ कार्बन पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? डिग्री ऑफ कार्बन पे डिपेंड करता है, इसलिए इसका नाम होगा प्राथमिक कार्बनी 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल। इसको परिभाषित करना है तो परिभाषित कैसे करना है, लिखोगे जब OH समूह, OH मतलब अल्कोहल, OH समूह 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो, 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्राथमिक अल्कोहल। तो जैसे यहीं पर हम एग्जांपल दे देते हैं, जैसे हमारे पास है कार्बन, देखो ये हमारे पास कार्बन है। अब बताओ इस कार्बन में, इस कार्बन को 1 डिग्री कार्बन कहेंगे, इसको भी 1 डिग्री कार्बन, नहीं इसको 2 डिग्री कहेंगे, ये 2 डिग्री कार्बन होगा और ये जो हमारे पास है ये हमारा 1 डिग्री कार्बन। अब बताओ कि जब OH समूह 1 डिग्री से जुड़ा हो, किससे जुड़ेगा, या तो इधर जुड़ेगा या फिर इधर जुड़ेगा। अगर इधर और उधर में कहीं से जुड़ जाएगा या यहां से जोड़ दे, तो ये हमारा हो जाता है 1 डिग्री अल्कोहल। किसी को दिक्कत? ये किसका एग्जाम्पल है? 1 डिग्री अल्कोहल का एग्जाम्पल है। जल्दी से उतार लो, जल्दी से। चलो यहां पर इसका डिफिनेशन हम दे देते हैं, द्वितीयक अल्कोहल, इसको बोलते हैं 2 डिग्री अल्कोहल। क्या बोलते हैं? 2 डिग्री अल्कोहल। इसका डिफिनेशन बस सिमिलरली इसी की तरह, जब OH समूह 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, 2 डिग्री अल्कोहल। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं, तो इसमें कुछ ना, यही ले लो, अरे हमारे पास ये 1 डिग्री कार्बन है, ये भी 1 डिग्री और ये 2 डिग्री है, इसी के साथ अगर OH जुड़ गया तो ये हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा बोलो बोलो, ये हमारा 2 डिग्री होगा। 2 डिग्री क्यों होगा? क्योंकि OH 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा है, इसलिए ये 2 डिग्री कार्बन होगा। किसी को दिक्कत? किसी को दिक्कत नहीं। चलिए ये एग्जांपल। अच्छा एक चीज और बताते हैं, ये कार्बन कार्बन के समूह को एल्काइल ग्रुप भी कहते हैं। तो ध्यान देना, एक चीज बता देते हैं, R बराबर होता है एल्काइल,
एल्काइल समूह बोला जाता है, ग्रुप। अगर मान लो आपके पास ऐसा कहीं लिखा रहे, ठीक है ना, इस सी के जगह पर आर लिख दे, यहां पर सी लिख दे, यहां पर आर लिख दे, यहां पर ओ एच लिख दे, तो ये भी हमारा क्या होगा, ये भी हमारा 2 डिग्री अल्कोहल होगा। क्या होगा? 2 डिग्री, क्योंकि ये जो है 2 डिग्री है, इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन, ये आर जो है कार्बन के रूप में, आर किस रूप में है, कार्बन के रूप में, इसलिए ये हमारा 2 डिग्री अल्कोहल होगा। किसी को दिक्कत? किसी को दिक्कत? किसी को दिक्कत नहीं, ठीक है ना, ये लिखो कोई दिक्कत नहीं, दोनों ठीक है। अब आ जाती इसकी बात करते, इसकी तृतीयक अल्कोहल, इसको 3 डिग्री अल्कोहल बोला जाता है, 3 डिग्री अल्कोहल, ये बहुत आपको मिलेगा, ठीक है, आगे जब पढ़ेंगे तो बहुत आपको मिलेगा, 3 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, डायरेक्ट जो है बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट ऑप्शन बना देगा, बोलेगा निम्नलिखित में से बताओ 3 डिग्री यानी तृतीयक अल्कोहल कौन सा है, तो आपको आना चाहिए। पहले इसका डिफिनेशन लिख देते हैं, जब वैसी तरह लिखोगे, जब ओ एच समूह, जब ओ एच समूह 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो, जब 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो उसे हम क्या बोलेंगे, तृतीयक अल्कोहल के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, तो 1, 2, 3 और यहां पर एक लगा दो इस तरह से, चलो इसको इस तरह से, हाँ ये देखो, देखो ये 1 डिग्री है कार्बन है, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, ये देखो 3 डिग्री, ये 3 डिग्री है, इसी से ओ एच जुड़ जाएगा, ये 3 डिग्री से ओ एच जुड़ा है, इसलिए ये 3 डिग्री अल्कोहल कहलाएगा। किसी को दिक्कत? देखो, अरे ये इस कार्बन को देखो, इसका एक पड़ोसी इधर, एक ऊपर पड़ोसी, एक नीचे, 3 डिग्री है ना, तो 3 डिग्री में अगर ओ एच को हम जोड़ दिए तो ये हमारा 3 डिग्री कहलाएगा। अरे सिंपल सा बात है, अगल बगल यानी कार्बन 3 वाला, 3 डिग्री वाला कार्बन में ओ एच को शामिल कर दे, ओ एच जोड़ दे, तो वो 3 डिग्री अल्कोहल कहलाएगा। नेक्स्ट जो डिग्री होगा वो एमीन होगा, तो हमारा जो नेक्स्ट डिग्री क्या है, एमीन है, ये अमोनिया का डेरिवेशन है, पहले अमोनिया का जान लो, NH3 जो होता है वो अमोनिया होता है, नाइट्रोजन का 3 भाई है, कितना भाई है, नाइट्रोजन का 3 वैलेंसी है हाइड्रोजन के साथ। अब यहां पर ध्यान दो, इसी का खेल होगा, नाइट्रोजन का 3 भाई, नाइट्रोजन कितना भाई, 3 भाई, तो सिंपल से पहले इसके प्राथमिक एमीन के बारे में, सेम जैसे अल्कोहल है वैसे ही इसमें ही पढ़ना, बस थोड़ा सा डिफिनेशन में अलग होगा, ध्यान देना। इसमें क्या होता है, लिखोगे जब नाइट्रोजन से है ना हाइड्रोजन निकलकर, हाइड्रोजन निकलकर एक अल्काइल ग्रुप, कितना, एक अल्काइल ग्रुप या अल्काइल समूह, एक हाइड्रोजन, ऐसे करो, एक हाइड्रोजन निकलकर एक अल्काइल समूह क्या हो जाए, जुड़ जाए, फिर से आ जाए, हमने बोला क्योंकि अमोनिया में NH3 होता है और उसमें उसका डेरिवेशन ही हमारा होता है एमीन होता है, जब नाइट्रोजन से एक हाइड्रोजन निकलकर एक अल्काइल समूह जुड़ जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, प्राथमिक एमीन। इसका एग्जांपल जैसे मान लो नाइट्रोजन का कितना भाई था, 3 भाई है, नाइट्रोजन का 3 भाई कहो या नाइट्रोजन 3 बेटा, नाइट्रोजन का 3 बेटा, एक बेटा किसी के साथ भाग गया, तो किसी के साथ भाग गया तो नाइट्रोजन बोला कोई बात ना, हम दूसरे को लेकर आएंगे, किसको लेकर आया, आर को लेकर आया, आर मतलब क्या होता है, आर मतलब होता है अल्काइल समूह, देख लो फिर से बता दो, आर मतलब होता है अल्काइल और इसका मतलब होता है CH3 CH2 CH3, इस तरह से लंबा चेन बनते चला जाएगा कार्बन कार्बन की, जिसमें एक हाइड्रोजन की कमी हो, इसका सूत्र होता है CnH2n+1, ये भी ध्यान रखना, R से इसको डिनोट करते हैं अल्काइल समूह, तो ध्यान देना नाइट्रोजन का 3 बेटा, एक बेटा जो हाइड्रोजन था वो भाग गया, उसके साथ R लग गया, तो इसको बोलते हैं 1 डिग्री एमीन, क्या बोलते हैं, 1 डिग्री एमीन बोला जाता है। किसी को दिक्कत, जल्दी से इसको उतार लो, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हम बताते हैं, नेक्स्ट जो हमारा है वो है द्वितीयक एमीन, ठीक है, अब ध्यान देना, तो द्वितीय कमीन क्या होता है, तो उसको ध्यान लो, लिखोगे जब नाइट्रोजन से दो हाइड्रोजन निकलकर है ना, दो गो आर ग्रुप, आर मतलब दो
एल्काइल समूह जुड़ जाए उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम द्वितीयक अमीन कहेंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल तो देखो कहीं कहीं पर आपको इस तरह से भी आपको नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन का देखो तीन गो बेटा था, कितना बेटा था तीन बेटा, दो गो हाइड्रोजन निकल गया और इसके जगह पर आर आ गया, कौन आ गया आर। देखो हाइड्रोजन देखना है, दो गो हाइड्रोजन निकल गया, दो गो आर आ गया, इसको बोलेंगे टू डिग्री एमीन कहलाएगा, सिंपल सी बात। अच्छा इसके जगह पर ऐसा भी कहीं लिखा रहता है CH3 और यहां पर एक हाइड्रोजन लगा दो, दो गो आर ग्रुप आ गया, इसको आर ग्रुप बोलते, इसको आर भी बोलते, ये हो गया टू डिग्री एमीन। दोनों में कोई अंतर नहीं, बस लिखने का तरीका अलग अलग है, दोनों में कोई अंतर नहीं, ठीक है लिख लो इसको। नेक्स्ट हम बताते हैं, लास्ट हमारा जो तृतीय कमी, फटाक से लिखो। चलो ध्यान दो, तृतीयक में लिखोगे जब नाइट्रोजन से तीन हाइड्रोजन निकलकर है ना, तीन एल्काइल समूह क्या हो जाए, जुड़ जाए उसे हम क्या कहेंगे, तृतीयक अमीन कहते हैं। तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, हाइड्रोजन नाइट्रोजन का तीनों हाइड्रोजन है और तीनों हाइड्रोजन को हटा के क्या लिखना है, आर आ जाए, तीन को आर आ जाए, कितना आर आ जाए, तीन आर आ जाए, तो उसको बोलेंगे क्या बोलेंगे, थ्री डिग्री एमीन के नाम से जाना जाएगा। आर के जगह पर ऐसा भी रख सकते CH3 ठीक है ना, और ये हमारा हो गया क्या हो गया, ये थ्री डिग्री एमीन, दोनों में कोई अंतर नहीं, ठीक है दोनों में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। यह है आपका डिग्री ऑफ एमीन। इस तरह से हम लोग मेनली जो एग्जाम के व्यूज आता है, डिग्री ऑफ अल्कोहल, डिग्री ऑफ कार्बन, डिग्री ऑफ एमीन, ये खत्म हो गया।